हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो आज बच्चों बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले थे हम? कॉनिक सेक्शन का 11.3। ठीक है, इसका कल मैंने आपको बेसिक बताया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवाया था। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हमने सीखा कि सर इलिप्स होता क्या है, ठीक है, इलिप्स की इक्वेशंस क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन, फोकाई, वर्टेक्स, कई सारी बातें अपन डिस्कस करी जानी। तो पहली बात तो आपको बोल दूं, इस वीडियो को देखने से पहले जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जो देख रहे हैं, वो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। मैं हर बच्चों से कहता हूँ, मतलब क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन तो बाद की प्रायोरिटी है, क्वेश्चन तो बाद की बात है, सबसे पहले आप उसका क्या देखो, इंट्रोडक्शन समझो, गहराई समझो, कहना क्या चाह रहा है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं 11.3, और सबका ध्यान पहले क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 9, 1-9, 1-9 क्वेश्चन तक की बात करनी है अभी आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, द इंटेंसिटी, इसेंट्रिसिटी हो गया, एंड द लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। आपको एक इलिप्स की क्वेश्चन गिवन है और कई सारी बातें पूछ दी उन्होंने। क्या क्या पूछ दिया? लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ, ठीक है, इसेंट्रिसिटी बता दो, फोकाई बता दो, वर्टेक्स बता दो, कई सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो गहराई समझते हैं कि करके बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब समझना, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 का स्क्वायर, यहां पर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको मैंने बताया था बेटा हमेशा जो a होता है b से ज्यादा होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। क्या बताया था कि सर a मोर देन b, तो बेटा इसमें a तो ये हो जाएगा और b ये, क्योंकि भाई a बड़ा होता है तो जो संख्या बड़ी है उसे हम a बोलेंगे। संख्या बड़ी कौन सी? ये वाली। इससे मैं इस देखो एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चन बनी है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला a हो, ये वाला b, तो यहाँ से a क्या निकल के आ गया 6 और b क्या निकल के आ जाएगा 4। इतना समझ में आया? अब इसका एक ना डायग्राम शो करते हैं, फिर अब ज्यादा गहराई समझ में आएगी। देखो अगर ये वाली संख्या बड़ी है, इधर का a, यहां पर a है और यहां b है, ये वाली इक्वेशन कहां लगती है? सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। आपका इलिप्स तो बनेगा लेकिन कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। बता, तो कोई डाउट यहां था? मैंने एक इलिप्स बना दिया और a और b निकाल दिया, ठीक है, इतना काम समझ में कोई दिक्कत है तक नहीं है। क्या बेटा ये सेंटर, ये फोकस टू और फोकस 1, ये वर्टेक्स ए और ये वर्टेक्स बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। देखो तो आपके पास ए कितना है 6, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा कॉमा 0, जहां बेटा -6, 6, 0। बी क्या आपके पास 4, तो 0.4, यहाँ 0.-4। आपके पास तो वर्टेक्स क्या क्या गए हैं? हाँ जी, +-6.0, ये वर्टेक्स होते हैं ए और बी वाले, ठीक है, और आपके पास फोकाई की बात करते हैं। देखो यहाँ पर फोकस की बात करेंगे हम, जब फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है C.0, क्या होगा C.0, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ होता है C.0, यहाँ होता है -C.0, लेकिन मुझे A पता है, B पता है, C का तो आता पता नहीं है, C कैसे? तो C हमें निकालना पड़ेगा। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हाँ जी कि ना जी, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, 36-16, 20√20 सी स्क्वायर। समझा कैसे किया? तो 20 क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20,
तो टू रूट फाइव प्लस माइनस, हाँ जी, तो क्या फोकस फोकस आ जाएंगे आपके, प्लस माइनस टू रूट फाइव कॉमा जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएंगे रूट टू रूट फाइव कॉमा जीरो, यहाँ पर माइनस टू रूट फाइव कॉमा जीरो, कोई दिक्कत है? तो मुझे वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया, और क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ध्यान देना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फॉर्मूला क्या होता है, टू ए, तो टू मल्टीप्लाई सिक्स कितना हो जाएगा ये 12, तो वो मेजर एक्सिस यहां, इसके जो वर्टेक्स है ना ये दोनों मेजर वाला पार्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, थोड़ा ध्यान देना, सिक्स इधर और सिक्स इधर, सिक्स और सिक्स 12, क्या आ रहा है आपका आंसर 12, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, चलिए वो भी चेक करते हैं, 2b, यहां से बात कर रहा हूं मैं, इसमें 4 और 4 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8, अब क्या क्या रह गया चेक करो, अब आपके पास रह गया एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए रह गया और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर रह गया, तो मैं यही बात करूंगा, बेटा e इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, c अपॉन में a, c क्या निकल गया आपके पास 2 रूट 5 और a की जगह ए क्या आपके पास सिक्स, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, रूट फाइव बाई थ्री, कोई डाउट? अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी की जगह फोर का स्क्वायर अपॉन में सिक्स, सिक्सटीन बाय थ्री, छोटे छोटे पार्ट पार्ट होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, अब तो कौन सा कई सारी बातें हमने सीख ली, निकालनी सीखी है, समझ में आया? तो किसी बच्चों को डाउट यहाँ क्वेश्चन के अंदर नहीं, इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, देखो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, कोई डाउट यहाँ तक? ए मोर देन बी हमेशा क्या होता है बेटा, ए बी से बड़ा होता है, तो जो जो संख्या बड़ी हो उसे हम क्या बोलेंगे, ए, इस बार ए यहाँ पर है क्योंकि 5 बड़ा है ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्योंकि जो संख्या बड़ी है नीचे की डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो ए है, इस बार ये ए है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैसे बनेगा अलोंग विद वाई एक्सिस, चलिए जो आपने बता ही दिया वाई एक्सिस तो बना लेते हैं 0, कोई डाउट यहां तक? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसके सबसे पहले बात करूं ए क्या है, देखो ए तो आपके पास 5 है और बी क्या है आपके पास 2, ए मिल गया बी मिल गया, तो जब ए मिल गया तो भैया वर्टेक्स ही मिल गया होगा, इसके वर्टेक्स कहाँ होंगे, इधर होंगे ना, यहां पर क्या होता है बेटा 0 कॉमा ए, यहां पर क्या होता है 0 कॉमा माइनस ए, तो लिख दूंगा मैं 0 कॉमा प्लस माइनस 5, या तो वैसे मत लिखो 0 कॉमा 5 एंड 0 कॉमा माइनस 5, इसके वर्टेक्स तो मिल गया मुझे, अब मुझे क्या जानना है फोकस जानना है, तो फोकस कहाँ होगा, एक इधर और एक इधर, यहाँ पे क्या होगा बेटा 0 कॉमा सी और यहाँ पर 0 कॉमा माइनस सी, मुझे ए पता है बी पता है तो क्या निकालना पड़ेगा सी, सी के लिए क्या सिखाया था अभी मैंने आपको रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होता क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको यही चीज़ याद करनी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपल, ए की वैल्यू 5 बी की जगह 2 सी का स्क्वायर, 25 में से 4 क्या 21, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है क्या आंसर आ जाएगा फोकस इसका 0 कॉमा रूट 21 और 0 कॉमा माइनस रूट 21, आपके पास वर्टेक्स आ गया फोकस आ गया, आप क्या निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ जी
टू मल्टीप्लाई ए क्या है आपके पास फाइव, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस टू मल्टीप्लाई बी, बी क्या है आपके पास टू। कोई डाउट यहां तक? ई का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में ए, ए क्या आपके पास फाइव, ई भी आ गया। अब लास्ट में क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी क्या टू का स्क्वायर, ए क्या आपके पास फाइव, फोर टू जा एट बाय फाइव। कोई डाउट्स क्वेश्चन के अंदर? ये सिंपल था क्वेश्चन पहले की तरह था, बस पहले में फर्क कितना था, वो अलोंग विद एक्स एक्सिस था या अलोंग विद वाई एक्सिस है। इसे नोट करो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड की तरह ही है, 1% का भी फर्क नहीं है। जिस तरह आपने पहला दूसरा क्वेश्चन समझा सीखा वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन घर पर बनाएं, क्या सही चाह रहा हूँ मैं? तो आप घर पे बनाएंगे, प्रैक्टिस होगा, आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चा कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए बेटा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा हिचकिचाया मत करो, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हो आप, बस एक कमेंट करना है आपको किस सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए, दोबारा बता दीजिए सर क्वेश्चन में कुछ डाउट था, बस खाली इतनी सी बात समझनी है। कोई डाउट किसी को? तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कहीं कर सकते हैं, कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेवन के चलते हैं, और जिसको नहीं से मैं बार बार कह रहा हूं पूछ लेना, ट्राई करना है, पूछना भी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन, 36x² + 4y² = 144। आपको लगेगा कि सर अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सीखे थे वहां पर एक्स स्क्वायर ऊपर था और नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर था या बी स्क्वायर जो भी था, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन, सॉरी ये सीखा था। मतलब अब तक जो भी फॉर्म दे रखी थी वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स की फॉर्म में गिवन था, अब आपने वही सीखा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ध्यान देना, सबसे पहले चेक करो इक्वल में क्या लिखा है, क्या लिखा है इक्वल में 144, और इक्वल में मुझे हमेशा क्या करना है वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए वन। तो एक काम करो ना, 36x² / 144 सबको 144 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला काम चेक करना आपको भाई इज इक्वल टू में क्या है, और जो भी नंबर है उसको उस नंबर से सबको डिवाइड कर दो ताकि इज इक्वल टू में क्या आ जाए वन। यहां तो भाई वन आ गया, यहां चेक करो 24 हो गया ना, 24 का बात है 4 6 24। तो अब आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, नीचे यहां ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 36 = 1। तो ये बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 6 = 1। और a हमेशा ज़्यादा होता है किससे, b से, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा b, और यहाँ पर क्या लिख दूँगा a, क्योंकि तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो a है। तो ये यहाँ पर a है, और ये कब, ये किसके सिमेट्री बनेगा, अलॉन्ग विद वाई एक्सिस, अलॉन्ग विद वाई एक्सिस 0, A, B, कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके पास A मिल गया आपको इजीली, A क्या आपके पास 6, B कितना है 4, सबसे पहले आप क्या निकालोगे बी स्क्वायर प्लस C आ जाएगा इससे आपके पास, और जब C आ जाएगा तो सारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 36 - 16। शायद ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने सेकंड वाला भी किया था, सेकंड में था किस में था, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके। तो ये मतलब कितना हो जाओ 20 √20, ठीक है ना,
तो सी के फोकस भी आ जाएगा, प्लस माइनस लगा दो जगह, तो फोकस भी दो फोकस हो गया, एक इधर का और एक इधर का। फोकस क्या आ जाएंगे, प्लस जीरो कॉमा प्लस माइनस रूट ट्वेंटी। वर्टेक्स की बात करेंगे तो वो भी आ जाएगा जीरो कॉमा सिक्स और जीरो कॉमा माइनस सिक्स, क्योंकि यहां पर क्या है जीरो कॉमा सिक्स और यहां पर क्या हो गया जीरो कॉमा माइनस सिक्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2.6, 2a सॉरी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या था 2a, 2.6 जा 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बी, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8। e क्या होता है c अपॉन में a, c क्या निकला रूट 20 अपॉन में 6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन में a 16/3। तो किसी बच्चों को डाउट्स क्वेश्चन के अंदर, ये सेम क्वेश्चन था बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक था इस जगह, अगर ये आप यहाँ तक आप पहुँच गए फिर तो क्वेश्चन वही है, इसे नोट डाउन करो। एट्थ का आपको मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा तो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल ही। 16x² + y² = 16। अब चेक करो इज इक्वल टू में क्या लिखा है 16, क्या करेंगे 16 से डिवाइड हर टर्म को 16/16, ठीक है। यहाँ पे भी कट के क्या आ जाएगा 1x² / 1² y² / 4² यहाँ पर क्या आ गया 1। a मोर देन b तो बेटा ये वाला a हो जाएगा और ये वाला b, a क्या हो गया 4 b हो गया 1। कोई डाउट यहाँ तक, तो देखो x² / b² + y² / a² कैसे बनेगा ये अलॉन्ग विद y एक्सिस, क्या इसे घर पर खुद ट्राई कर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और तब भी ना हो तो मेरे से पूछ लेना कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहे ना काफी समझने में, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है तो काफी इजी है। 9 का भी आपको हिंट ले देता हूँ 4x² + 9y² = 36। हाँ जी इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 36, तो क्या करेंगे 4x² / 36 9y² = 36 इज इक्वल टू 36/1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x² / 9 y² / 4 = 1, ठीक है। x² / 3² और ये 2 a मोर देन b, इस बार ये बेटा a हो जाएगा और b 2, ये तो इस तरह से बन गया x² / a² y² / b² = 1। और ये कैसे बनता है इस वाले केस में अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस, ए मिल गया बी मिल गया सी निकाल लोगे किस फॉर्मूले से a² = b² + c² सी आ जाएगा, तो सी निकलने के बाद तो फिर सब कुछ आ जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इंटेंसिटी लेंथ ऑफ लेटस सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, सी की जरूरत पड़ती है केवल फोकस के लिए और दूसरा इसेंट्रिसिटी के लिए विदाउट। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहने वाले हैं होमवर्क, इसे नोट